हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं नंदिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा सा वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने फेस पर ऐसी कौन सी चीज़ लगाएं जिससे आपका फेस एकदम चमकदार हो, एकदम गोरा हो जाए और बहुत ही जवान दिखे, इसके सारे पिंपल एक्ने सारे ख़त्म हो जाए, आपका फेस एकदम मुलायम हो, बहुत ही कोमल, बहुत ही सॉफ्ट सा हो। हमारे फेस पे बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, गर्मियों में पिंपल्स हो जाते हैं, स्किन हमारी टैन हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज मैं आपको बहुत ही एक अच्छा सा उपाय बताने वाली हूँ जो आप घर पर कर सकते हो। आज मैं केले का फेस पैक बनाना बताऊँगी कि आप अपने फेस पे केले का फेस पैक कैसे लगा सकते हो और जिससे आप बहुत ही जवान खूबसूरत दिखो और आपका फेस एकदम से ग्लो करे। तो चलिए, हम पार्लर जाते हैं, बहुत सारे फ्रूट फेसियल करवाते हैं, बहुत महंगे महंगे फेसियल करवा लेते हैं हम। अभी बहुत सारे फेस्टिवल भी आ रहे हैं, तो इसमें सबसे अलग, सबसे आपका चेहरा एकदम से चमकदार दिखे, सबकी निगाहें आप पर हो। तो चलिए चलते हैं इसे। केले में बहुत सारे पोषक तत्व, मिनरल्स होते हैं जो हमारे स्किन की कई सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देते हैं। केले में विटामिन ई, सी, विटामिन बी होते हैं जो हमारे फेस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को खत्म। केले में पोटेशियम होता है जो ड्राई स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। केले में बहुत सारे पोषक तत्व और मिनरल पाए जाते हैं जो हमारे स्किन को हाइड्रेट करते हैं। केला हमारे स्किन से एक्ने पिंपल्स को भी ख़त्म करती है गाइस, हमारे स्किन को बिल्कुल भी सॉफ्ट कर देता है। तो इसके लिए हम पका हुआ केला लेंगे। ये मेरा ज़्यादा ही पका हुआ केला है, तो हम ज़्यादा पके हुए केले को हम खाते नहीं हैं, हम फेंक देते हैं। तो क्यों ना हम इसे फ्रूट फेसियल के तौर पर इस्तेमाल करें अपने स्किन को बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये केला ले लिया है, बहुत ही पका हुआ केला लेंगे ताकि वो आसानी से मैश हो जाए, जिसे हम खाते नहीं हैं, अक्सर फेंक ही देते हैं। तो क्यों ना हम उसे फ्रूट फेसियल के तौर पर इसे फेस पे लगाने के काम में आ जाए, देखने से तो अच्छा ही है। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैश हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हनी। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस आधा चम्मच। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसमें नींबू डालें, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं, और अगर आपकी स्किन पे एक्ने एंड पिंपल है तो आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। तो मैंने तीनों चीज़ें मिक्स कर ली है, अब हम इसे अपने फेस पे लगाएंगे। ये मास्क हमें एकदम से बहुत ही खूबसूरत और हमारे फेस को बहुत ही चमकदार बनाएगा और बहुत ही कोमल बनाएगा। तो चलिए हम इसे लगाते हैं। आप इसे एक महीने तक लगाओ गाइस, आपको फर्क नज़र आने लगेगा। और अभी त्यौहार का टाइम आ रहा है तो आप तो त्यौहार में बिल्कुल भी अलग लगने वाले हो और सबकी निगाहें आप पर ही टिकी होने वाली है। तो चलिए इस पैक को लगाते हैं। और हाँ गाइस, इसे लगाने से पहले आप अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लें। हमारे फेस पे कोई भी फिलहाल कोई भी मेकअप नहीं है, ओनली लिप कलर है। तो मेरा स्किन धुला हुआ ही है, तो आपके स्किन पे अगर कोई क्रीम है, कोई मेकअप है तो आप इसे पहले रिमूव कर लें, उसके बाद इस पैक को लगाएं। आप इसे अच्छे से मसाज करते हुए लगाएं। दो मिनट तक इसी तरह मसाज करते हुए अपने पूरे फेस एंड नेक पे लगा लेना है गाइस। उसके बाद इसे 15 से 20 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देना है। और हाँ गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे गाइस।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सूख चुका है। अब हम इसे धुल लेते हैं। धुलने के बाद आप देख सकते हैं गाइस, वो एक अलग सा ही निखार आ चुका है हमारे फेस पे, कितना ग्लो कर रहा है हमारा फेस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।